मैं जसवंत सिंह टाइनी डॉट्स पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का प्रकरण अलंकार लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज अपन अलंकार के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का अपन का टॉपिक रहेगा अलंकार। अलंकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या फिर कह सकते हो गहना। अब अलंकार शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार शब्द का निर्माण दो शब्दों के योग से हुआ है। पहला शब्द है अलम और दूसरा शब्द है कार। अलम का मीनिंग होता है शोभा और कार का मीनिंग होता है करने वाला, यानी कि शोभा करने वाला। अलंकार शब्द का मीनिंग क्या हुआ? शोभा करने वाला। अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है। पहला शब्द कौन सा है? अलम, जिसका मीनिंग होता है शोभा, और दूसरा शब्द है कार, जिसका मीनिंग होता है करने वाला। अर्थात अलंकार शब्द का मीनिंग होता है शोभा करने वाला। अपन कह सकते हैं काव्य में जो तत्व जो काव्य में जो तत्व जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है, काव्य की जो तत्व काव्य के ऐसे तत्व जो उसमें उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं उसको अपन अलंकार कह सकते हैं। यानी कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को अपन अलंकार कह सकते हैं। काव्य के भी तत्व जो काव्य में सुंदरता लाए उसको अपन अलंकार कह सकते हैं। अलंकार के भेद अलंकार के मुख्यतः तीन भेद माने जाते हैं। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उपयालंकार। शब्दालंकार जैसा नाम से स्पष्ट है शब्दों के माध्यम से रोचकता, अर्थालंकार यानी अर्थ के माध्यम से रोचकता, और उपयालंकार शब्दों के माध्यम से भी और अर्थों के माध्यम से भी क्या है? चमत्कार आए, उसको अपने उपयालंकार कह सकते हैं। अब अलंकार का पहला भेद है, अलंकार का प्रथम भेद शब्दालंकार। काव्य में जब चमत्कार प्रधानतः शब्द में निहित होता है, ऐसा काव्य जिसका चमत्कार किसमें निहित हो? शब्दों में निहित होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? शब्दालंकार कह सकते हैं। अर्थात वह शब्दों के प्रयोग से ही सौंदर्य में क्या होता है? वृद्धि होती है। ऐसा काव्य जहां पर शब्दों के प्रयोग से ही उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है उसको अपन क्या कहते हैं? शब्दालंकार कह सकते हैं। काव्यों में प्रयुक्त शब्द को बदलकर उसका पर्याय रख देने से उसके अर्थ न बदलते हुए भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। क्या होता है? काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदलकर काव्य में जो शब्द जो मूलत शब्द प्रयुक्त हुआ है उस शब्द का अर्थ न बदलते हुए भी उसका पर्याय रख देने से उस शब्द के चमत्कार में उस अलंकार के चमत्कार में क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि शब्दालंकार में शब्द का पर्याय रख देने पर भी उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि शब्दालंकार में शब्द का पर्याय रख देने पर भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, यानी कि शब्दालंकार में शब्द का पर्याय कदापि नहीं रखते हैं, मूलतः उसी शब्द को रखते हैं जो काव्य में प्रयुक्त हुआ है, तभी वह चमत्कार प्रदान करेगा अन्यथा नहीं। अब शब्दालंकार के अंतर्गत कौन से अलंकार सम्मिलित हैं? तो पहला है अनुप्रास अलंकार जो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, दूसरा है यमक अलंकार यह भी
शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आदि शब्दालंकार की कैटेगरी में श्रेणी में आते हैं। अब अलंकार का दूसरा भेद है अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के माध्यम से चमत्कार बना रहता है। देखो काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां अर्थालंकार होता है। काव्य में जहां पर अर्थ के माध्यम से क्या आए, चमत्कार आए, अर्थ के माध्यम से चमत्कार बना रहे, उसको अपन अर्थालंकार कहते हैं। यानी अर्थ में क्या निहित होता है, चमत्कार निहित होता है, अर्थालंकार कहलाता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय देने पर भी चमत्कार बना रहता है। अब शब्दालंकार में अपन ने पढ़ा था कि शब्दालंकार में क्या होता है, मूलतः शब्द की ही आवश्यकता होती है उसके चमत्कार में वृद्धि करने के लिए। ऐसा अपन ने शब्दालंकार में पढ़ा। क्या पढ़ा कि प्रॉपर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है काव्य में, मूलतः जो प्रॉपर शब्द, मूलतः शब्द जो काव्य में प्रयुक्त हुआ है उसको रखने से उसके सौंदर्य में चमत्कार आ जाता है, उसके पर्याय को रख देने से उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है। इसमें शब्दालंकार में ऐसा अपन ने पढ़ा था। लेकिन अर्थालंकार में थोड़ा उससे परे है। कैसे, अर्थालंकार में हमेशा किसी मूलतः शब्द को छोड़ करके उसके पर्याय को रख देने पर भी उस शब्द की महिमा, उस शब्द का सौंदर्य यथावत ऐसे ही बना रहता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अर्थालंकार में कोई भी शब्द उसका पर्याय रख देने पर भी उसके सौंदर्य में वृद्धि हो सकती है, उसका चमत्कार नष्ट नहीं होता है बल्कि यथावत बना रहता है। भले आप पर्याय रखो, मूलतः शब्द रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सौंदर्य यथावत ऐसे ही बना रहता है। कौन से अलंकार में, अर्थालंकार में, ठीक है ना। अब अर्थालंकार की श्रेणी में कौन से अलंकार आते हैं, तो पहला है उपमा, इसको भी अपन अर्थालंकार की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह आदि अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है उभयालंकार। काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उभयालंकार यानी कि शब्दों के माध्यम से भी और अर्थों के माध्यम से भी, यानी काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य शब्द व अर्थ दोनों में निहित होता है, अर्थात जहां पर शब्दों के माध्यम से भी तथा अर्थों के माध्यम से भी काव्य में सुंदरता यथावत बनी रहती है, यानी कि ऐसा काव्य जहां पर शब्दों के माध्यम से भी तथा अर्थों के माध्यम से भी चमत्कार उत्पन्न होता है उभयालंकार कहलाता है। अब उभयालंकार की श्रेणी में कौन कौन से अलंकार आते हैं, तो उभयालंकार की श्रेणी में शब्द श्रेष्ठ तथा अर्थ श्रेष्ठ दो अलंकार सम्मिलित किए जाते हैं। अब अगर अपन बात करें कि अलंकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, अलंकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अपन कह सकते हैं कि जिस तरह से नारी को सुंदर बनाने के लिए उसके गहने काफी हद तक कारगर साबित होते हैं, यानी कि नारी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपन गहनों को उसके तत्व के रूप में सम्मिलित करते हैं, यानी कि गहनों के माध्यम से नारी की सुंदरता में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी प्रकार उस शब्दों में जो रोचकता आती है, वो रोचकता किससे आती है, अलंकार के माध्यम से आती है,
अलंकार कौन से शब्दों के अलंकार कौन से होते हैं? जैसे अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, ये सब गहने किसके? शब्दों के गहने। और ये शब्दों में क्या लाते हैं? चमत्कार लाते हैं, शब्दों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिस तरह से नारी के सौंदर्य को सोने के जेवर बढ़ाते हैं, उसी प्रकार शब्दों की सुंदरता को ये अलंकार बढ़ाते हैं। तो अलंकार के माध्यम से शब्दों में क्या आती है? सरसता आती है, सुबोधता आती है और उत्कृष्टता आती है। तभी अपन काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं ताकि काव्य सुंदर, सुग्राही और सरस लगे।